नेता अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं अश्विनी कुमार, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने भेजा है। वो पार्टी से बाहर रहकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये अश्विनी की तरफ से कहा गया। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है और इसमें अश्विनी कुमार ने लिखा है कि वो पार्टी से बाहर रहकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को धन्यवाद भी कहा। तो कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके और इसी कड़ी में एक और झटका कि अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा दिया अश्विनी कुमार ने, पार्टी को धन्यवाद दिया कि इतना आपने मुझे काम करने का मौका दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्टी से बाहर रहकर वो बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अश्विनी कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया। तो दिल्ली से एक खबर है, कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार जिन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। तो इस्तीफा भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने वजह भी बताई है कि आखिर क्यों उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है।